वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ओके बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इल्मे इज़ाफ़े की दुआ, तो आप लोग मेरे साथ पढ़िए इल्मे इज़ाफ़े की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ओके चिल्ड्रंस, ये आपकी कौन सी बुक है? उर्दू वर्क बुक है। आज हम एक न्यू टॉपिक शुरू करेंगे रंगों के नाम का, ठीक है। तो इसलिए हमें काम करना है उर्दू की वर्क बुक में। आप लोग खोलिए पेज नंबर 42। पेज नंबर 42, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोग तारीख डालेंगे और इधर दिन डालेंगे। रंगों के नाम, रंगों के नाम लिखें। रंग कौन से होते हैं आपको पता है? कलर्स। कलर्स का आप लोगों को पता है, कलर्स हम इंग्लिश में बोलते हैं और उन्हीं को हम रंग बोलते हैं उर्दू में। कलर्स नेम जैसे होते हैं उसी तरीके से रंगों के नाम होते हैं उर्दू में। ये देखिए, ये कौन सा कलर है? ब्लैक। विच कलर इज दिस? ब्लैक। इसी को, ब्लैक को हम उर्दू में क्या बोलेंगे? काला, काला, ठीक है। ये कौन सा कलर है? ब्लू। ब्लू को हम उर्दू में क्या बोलेंगे? नीला। येलो, येलो को हम उर्दू में क्या बोलेंगे? पीला। और रेड है ये, रेड को हम उर्दू में क्या बोलेंगे? लाल। अब आपको उर्दू में ये कलर्स के नेम लिखने हैं और आपको याद भी करना है, ठीक है। रंगों के नाम, काला, नीला, पीला, लाल, आपको इसी तरीके से दोनों लाइन्स पर प्रॉपर तरीके से लिखना है। ब्लैक कलर को हम क्या बोलते हैं उर्दू में? काला, काला, काला। ब्लू को हम बोलते हैं नीला, नीला, नीला। येलो को हम बोलते हैं पीला, पीला, पीला। रेड को हम बोलते हैं लाल, लाल, लाल। ओके, आप लोगों को इस तरीके से ये काम करना है। इधर देखिए, जोड़ के तोड़ लिखें। इधर हमें क्या लिखना है? जोड़ के तोड़ लिखने। आपको याद है अभी हमने काम किया था, तोड़ के जोड़ लिखें। अब हमें क्या करना है? जोड़ के तोड़ लिखें। अब हमें यहाँ पे पूरे पूरे अल्फाज दिए हुए, हमें उसे तोड़ के लिखना है। यहाँ पर आपको ब्लैंक्स भी दी हुई है और यहाँ पर प्लस भी डला हुआ है, आपको सिर्फ अल्फाज लिखने हैं, ठीक है। ते वाओ तोड़, अलिफरा तोड़ा, तो हमें इसे किस तरीके से तोड़ना है? ते अलग लिखना है, वाव अलग लिखना है और रे और अलिफ अलग लिखना है। ते हम सबसे पहले लिखा, फिर हमें वाव लिखना है, फिर हमें रे लिखना है और फिर हमें अलिफ लिखना है। तो ये क्या बन गया? तोड़ा। ते वाओ तो रे अलिफरा तोड़ा। यहाँ पर है बे वाओ बो लाम अलिफला बोला, बे वाओ बो लाम अलिफला। तो हमें क्या लिखना है? बे अलग लिखना है, वाव अलग लिखना है, लाम अलिफ, लाम अलग लिखना है और अलिफ अलग लिखना है। बे अलग, वाव अलग, लाम अलग, अलिफ अलग, ठीक है। बे वाओ बो लाम अलिफला बोला। अब यहाँ पर है सीन वाओ सो चे अलिफ चा सोचा। इधर भी हमें सीन अलग, वाव अलग, चे अलग, अलिफ अलग। यहाँ पर देखिए, सीन अलग लिख दिया, वाव अलग लिख दिया, चे अलग लिख दिया, अलिफ अलग लिख दिया। सीन वाओ सो चे अलिफ चा सोचा। अब देखिए, जीम अलिफ जा गाफ वाओ गो जागो। तो इसमें भी हमें चारों अल्फाज जो है ना अलग अलग लिखने। जीम अलग लिखा, अलिफ अलग लिखा, गाफ अलग लिखा, वाव अलग लिखा। जी मलिफ जाग अफागो जागो, ठीक है। मीम वाओ मोर रे साकिन मोर। मीम अलग लिखेंगे, वाव अलग लिखेंगे, रे अलग लिखेंगे। मीम अलग लिख दिया, वाव अलग लिख दिया, रे अलग लिख दिया, ठीक है। मोर है ये, मीम वाओ मोर रे साकिन मोर। आप लोगों को ये काम इसी तरीके से करना है, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।